अल्पान ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी। और सहज हो जाएं। सहज होते सांसों के साथ सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास वहां आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाना है। अंदर जाने वाला श्वास बाहर जाने वाला सांस बाहर जाने वाला सांस और दोनों सांसों के साथ जागृत ऊर्जा एनर्जी ऊर्जा की संवेदनाएं ऊर्जा की तरंगें और तरंगों का एहसास तरंगें बढ़ती जा रही हैं। तिहाई में डूब के जाना है। गहरी शांति में खो के चले जाना है। गहरी शांति में होके चले जाना है। गहरी जागृत होता हुआ प्रकाश इस ऊर्जा के साथ जिस रूप में प्रकाश जागृत हो रहा है, जिस रंग का प्रकाश जागृत हो रहा है, इस प्रकाश की गहराई में डूब के चले जाना है। गहरी प्रकाश के साथ संवेदनाओं के साथ तरंगों के साथ दो चले जाना है।
होता चला जाए। क्या सुनने होते चले जाएं, और जहाँ की अनंत अनुभूतियाँ। साधक बनने के लिए आस्तिक और नास्तिक होना जरूरी नहीं है। जब हम साधना करते हैं तो आस्तिक और नास्तिक का तो ऊपर बढ़ना है। आस्तिक या नास्तिक होने का मतलब है कि पहले से कुछ न कुछ धारणाएं पकड़ी हुई हैं, हम पहले ही निश्चय रह चुके हैं, निर्णय कर चुके हैं। हम जो कुछ जानते हैं उसको हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, जो नहीं जानते हैं उसको भी स्वीकार कर चुके हैं। और जब पहले से ही जानते हैं तो ना तो साधक हो सकते हैं ना शिष्य हो सकते हैं। शिष्य या साधक होने का मतलब है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर कोई धारणा मान्यता या किसी संस्थान में विश्वास करते हैं तो फिर शिष्य तत्व को या फिर साधक तत्व को खो देते हैं। किसी मान्यता का, किसी भी संस्था का या फिर किसी भी धारणा का मतलब है कि हम पहले से ही कुछ को जान चुके हैं या कुछ जानते हैं, और वह जानना ही अहंकार है। और इस अहंकार में पूर्ण समर्पित होना, पूर्ण समर्पण हो जाना संभव ही नहीं है। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े विद्वान इस परम तत्व को नहीं पा पाते। डूब जाते हैं उस परमात्म तत्व को जानने से, जबकि उनकी धारणा बार बार सामने आ जाती है, उनकी मान्यता बार बार सामने आ जाती है। जब जब सत्य प्रकट होता है तब तब मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि यह सत्य नहीं है, यह सब केवल कल्पना है। क्योंकि सत्य तो वो कुछ और ही पहले से ही स्वीकार कर चुके हैं। और जो स्वीकार कर चुके हैं उसी को वो सत्य मानते हैं, वही उसको सही मानते हैं, और बाकी सब उनकी नजर में गलत हो जाता है।
व्यक्ति अपनी मान्यताओं के अनुरूप ही उस परमात्मा को चेष्टा को स्वीकार करता है, तो यही उसका सबसे बड़ा अहंकार होता है और यही सबसे बड़ी रुकावट। वो जानना ही आत्मघातक बन जाता है। सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, मन और बुद्धि का प्रयोग करते जाते हैं और सीखने को राजी ही नहीं होते। शिष्य या साधक बनने का सीधा सा अर्थ है कि वो कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। जो भी सिखाया जा रहा है वही सत्य मान लेना है, ऐसा भी नहीं है। सिखाने का भाव है तो और स्वीकार करने का भाव है तो आपके अंदर सत्य प्रकट हो ही जाता है, क्योंकि तो सत्य सिखाने से नहीं होता, बताने से भी नहीं होगा, सुनने से या पढ़ने से भी नहीं होगा, पल पल अंतर जगत में होने वाली घटनाओं के प्रति सजगता के कारण पैदा होती हुई ऊर्जा के प्रति सतह से रहते हुए अपने स्वयं प्रकट होगा। जब हम कुछ नहीं जानते तो अंदर जब प्रवेश करते हैं तो कोई धारणा या मान्यता नहीं होती, वो केवल और केवल सत्य प्रकट होता है। सत्य जिस पर हम कहते हैं कि हम जानते हैं उसी पर समझ लें कि वो जानना व्यर्थ हो जाता है। तो भी जानना एक सीमा के अंदर समाहित होता है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है। जो जाना है वो ऐसा है या इतना है, तो और जब हम कुछ नहीं जानते तो असीम हो जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो हम जानते ही नहीं है तो उसकी सीमा भी तय नहीं कर सकते। तो और फिर पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, आपके सामने सब प्रकट करने लगती है।
ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते चले जाते हैं, अंदर की जगत में प्रवेश करते चले जाते हैं। और सत्य का द्वार खुलता चला जाता है, और जो कुछ प्रकट होता चला जाता है उसके प्रति सचेत होते हुए सत्य को जान चले जाते हैं। तो शिव से असाध वही हो सकता है जो कुछ नहीं जानता, जिसकी कोई धारणा नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, और जब कोई धारणा संस्कार मान्यता नहीं है तो कोई कल्पना भी नहीं है। ध्यान में ऐसा होगा या वैसा होगा, कलर आएंगे या नहीं आएंगे, या कुछ देर से आएंगे, ऐसी कोई कल्पना नहीं है। क्योंकि हम कुछ जानते ही नहीं हैं, और बिना जाने हम उस असीम में प्रवेश कर जाते हैं, उस अंत जगत में प्रवेश कर जाते हैं। तो प्रकृति अपने रहस्यों को खोलने लगती है, ब्रह्मांड अपने रहस्यों को जागृत करने लगता है, सूक्ष्म जगत के रहस्य खुलने लगते हैं, और पहले ही निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि वहां तो ऐसा प्रकाश होगा, ऐसे देवी देवता होंगे, ऐसे दर्शन होंगे या उसके दर्शन होंगे, तो फिर पूर्ण साधक अस्तित्व नहीं हो सकते। साधक का मतलब है ग्रहणशील होना, लगातार प्रकट होते हुए अंत जगत की ऊर्जाओं के प्रति सचेत हो जाना, सत्य अनंत है और अज्ञात है। हम जितना भी जान लें वो बहुत कम है। इस संसार में, भौतिक जगत में जितना भी किताबों से ज्ञान लेते हैं या संस्थात्मा के सत्संगों से ज्ञान लेते हैं, वह तो बहुत छोटा सा ज्ञान है। सिर्फ उनके शब्दों की भी सीमाएं हैं, और हम सीमाओं में बन जाते हैं। कभी किसी धारणा में बन जाते हैं, कभी किसी मान्यता में बन जाते हैं, कभी को मानने वाले कभी पंथ से धारणा में बन गए, कभी ही भगवान है, अब उससे आगे नहीं बढ़ सकते,
राम तत्व को मानने वाले केवल राम तक पहुंच सकते हैं, राम से आगे नहीं जा सकते। ऐसे किसी भी देवी देवता को मानने वाले वे उस देवी देवता तक ही जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। क्योंकि आपकी धारणा ही आपकी रुकावट बन जाती है, आपकी धारणा आपकी मान्यता ही आपकी सीमा तय कर देती है। पूर्णतः ज्ञानी बनकर जहाँ कोई धारणा नहीं है, पूर्णतः ज्ञानी बनकर अनजान बनकर हम कुछ नहीं जानते, कोई मान्यता नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, आप बनकर सबसे बैठ रहे हैं, उसके बाद जो कुछ घटित हो रहा है उसके प्रति सचेत हैं। प्रत्येक घटने वाली घटना के प्रति हम साक्षी हैं। श्रद्धा के प्रवेश का द्वार खुलने लगता है। अब अंदर क्या प्रकट होगा, क्या होगा, इस द्वार में प्रवेश करने के बाद क्या मिलने वाला है, इसके प्रति भी कोई विचार नहीं है। और जब विचार नहीं है तो वही प्रकट होगा जो सत्य होगा। और फिर अनुभव का जगत जागृत होता है, अनुभव कई नई नई दिशाएं जागृत होने लगती हैं। रोजाना नए नए अनुभव और नए नए ऊर्जाओं तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का भी आनंद लेते हैं, गहरी शांति का भी आनंद मिलता है, आनंद का भी अनुभव होता है। और जीवन में चमत्कार भी रहते हैं। अंधा सा सूर्य उदय हो जाता है, सूर्य की किरणें अंदर उतरने लगती हैं। उदासी, ठहरा, दुख और भी कितनी नकारात्मक भावनाएं हैं सब नष्ट होने लगती हैं। सूरज निकला है, और लगातार ऊर्जा को बढ़ाता जा रहा है। हमें मन के द्वार को खोल देना है, द्वार का खोलना बस अपनी तकना नहीं है, विचारों को बंद कर देना है, जो हो रहा है उसके प्रति देखना है, उसके प्रति सचेत होना है, जागृत होना है। इसलिए विचारों के बोझ को उतार फेंकना है, पूर्णतः खाली हो जाना है। पूर्णतः खाली होकर ही संसार जगत में प्रवेश करना है। तभी पूर्ण साधक बन सकते हैं, तभी पूर्ण शिष्य बन सकते हैं, जब पूर्णता खाली हो। कहाँ किसने क्या कहा, कहाँ क्या लिखा है, कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या बताता है, इसका कोई मतलब नहीं है। पूर्णता खाली होकर बैठ जाना है, और परमात्मा के रस की पूर्ण तपती हुई और पूर्ण का आनंद लेते जाना है। जैसे खाली पात्र नल के नीचे लगा दिया, टोटी के नीचे लगा दिया और टोटी को खोल दिया, अब जल उसमें आने लगा, क्योंकि वो खाली है। ऐसी स्वयं को जब खाली कर देते हैं, परमात्मा की ऊर्जा अंदर प्रवेश करने लगती है। वो ऊर्जा हमारे के समान सही मन और आत्मा तीनों को स्वास्थ्य प्रदान करती है। वो केवल अंत जगत के रहस्य को ही नहीं खोलती,
वह आपके पूरे जीवन को बदल देती है। जीवन जीने का ढंग रहने का ढंग व्यवहार का ढंग सब कुछ बदलता चला जाता है। जीवन तनाव और डिप्रेशन में बीतता था वही आनंद और खुशियों में बीतता है। हम नहीं जानते कि किस बात की खुशी है, इस बात का आनंद है, फिर भी खुश हैं। अंदर खुशी की तरंगें, आनंद की तरंगें, प्रसन्नता की तरंगें हमेशा बहने लगती हैं। चेहरे पर वो खुशी, वो आनंद हर वक्त झलकने लगता है। चेहरा तो तेज से जगमगाने लगता है। और चेहरा ही क्या, पूरा शरीर ही ऊर्जा से जगमगाने लगता है और अच्छे से प्रबल होता चला जाता है। शरीर के चारों ओर प्रकाश लगातार बढ़ता चला जाता है। मन को मिलने वाला आकर्षित हो जाता है। परमात्मा की ऐसी लीला, परमात्मा की ऐसी ऊर्जा का अनुभव करते जाना है। और पूर्ण ऊर्जा का साक्षी बनते जाना है। जीवन की आयु में लगातार इस अनंत ऊर्जा का अनुभव करते जाओ, खो के चले जाएं, जो कुछ हो रहा है उसका आनंद लेते चले जाएं, साक्षी बन के चले जाएं इस ऊर्जा का, इस अनंत समस्याओं का, गहरा अनुभव, गहरी शांति और गहरा आनंद।
जो जन्म हो रहे हैं, जो व्यवहार हो रहे हैं, उन अनुभवों का, उन एहसासों का साक्ष बनते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे साक्ष बनते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, सांसों का एहसास और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोल हुई चेतना में वापस आ जाएं। तो अब तो ये चेतना में वापस आ जाएं। आपके साधक का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कि जो कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। ज्यादा प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी को कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। चलिए, प्रणाम, ओम शुभ।